प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवदीपोऽहं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्प प्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलशद गोपी सहस्त्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोरकृति लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथया अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम् जय जय श्री राधारमण जय 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 गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन जय राधे 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 गोविंद राधे कथा में प्रवेश से पूर्व मनवाणी को पवित्र करिए भाव से गाओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे Oh,
भागवत महापुराण की जय। सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय। श्री गौड़ बाबा महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिका धीश की जय। परम मंगलमय प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं पूजनीय वंदनीय और इस संपूर्ण आयोजन के कर्णधार श्री विनोद चतुर्वेदी जी महाराज, बारंबार उनको प्रणाम। श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा में पधारे समस्त गंधर्वजन, समस्त विप्रवृंद और आप सभी झांसी निवासी माताएं, बहनें, भाई बंधु, छोटे बालक, समकक्ष, समस्त मित्र वृंद, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। थोड़े जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री सियाराम। जय सियाराम। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। परमानंद का विषय है, बुंदेलखंड की भूमि पर हमारा पहली बार आगमन हुआ है। आगमन तो वैसे तो बहुत बार आए हैं, लेकिन इस बुंदेलखंड की भूमि पर अपनी वाणी की सेवा करने का अवसर पहली बार मिल रहा है। अब इसमें भी कह दें तो वाणी की सेवा भी एकाध बार तो करी है। पूज्य पिताजी महाराज की दो बार परीक्षा कथा में हम आए हैं। और महाराज जी एक बात आपको बताएं, बड़ी रहस्य की है कि जब हम कथा नहीं करते थे तो पूज्य पिताजी की कथा में थोड़ी देर के लिए जाया करते थे ताकि थोड़ा अभ्यास हो मंच पर बोलने का। तो पूज्य पिताजी के मंच पर कभी कभी कहीं कहीं एक दिन के लिए जाते थे और पिताजी कहते थे कि हम सुनेंगे, जब हमको लगेगा कि हाँ ये अब थोड़ा बहुत ठीक बोलने लगा है तब हम घोषणा करेंगे कि ये पहली कथा कब करेगा। तो हम बहुत जगह कथाओं में गए, गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, और जो स्कूल के टूर भी जाते थे उसमें भी मैं नहीं जाता था, मैं पिताजी के संग ही जाता था। तो यही परीक्षा में कथा हो रही थी तो अनेक कथाओं में जाकर के प्रवचन किया लेकिन पिताजी को संतोष नहीं हुआ। तो यही परीक्षा झांसी की नगरी, ये बुंदेलखंड की भूमि पर ही कथा चल रही थी तो वहां मुझे आज भी याद है, पहली बार जब हम मंच पर यहां बोले तो पिताजी को थोड़ा सुख मिला और प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने प्रथम घोषणा, मतलब व्यासपीठ पर बैठने का प्रथम आज्ञा भी हमको बुंदेलखंड में ही दी कि अब हमको लगता है कि अब इंद्रेश जी थोड़ी बहुत कथा कहने योग्य हो गए तो अब 2015 में ये पहली भागवत की कथा द्वारिका में करेंगे। तो वो भी यही हुआ झांसी में। तो वैसे तो भागवत की कथा सुनाने के लिए हम पहली बार आए हैं बुंदेलखंड, लेकिन बुंदेलखंड में वैसे आगमन बहुत होता रहता है। झांसी और आप सब लोग, ये क्षेत्र एक अद्भुत, अपनी गरिमा
रखता है सब लोगों के हृदय में। जैसे वृंदावन के लोग कहीं जाकर के बताएं कि हम वृंदावन के हैं, तो सामने वाले के हृदय में ठाकुर जी अपने आप प्रकट हो जाते हैं कि अरे वृंदावन से आए, तो मतलब वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदावन की बड़ी शोभा है। महाराज कितनी बड़ी अनुकंपा, कितनी बड़ी बात है कि आप जाकर के कहते हो कि हम वृंदावन से हैं, तो सामने वाले के हृदय में अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कोई आकर के कहता है कि हम झांसी से आए हैं, तो उसके हृदय में अपने आप ही वीरांगना श्री रानी लक्ष्मीबाई अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहां का परिचय देने से सामने वाले के हृदय में शुद्ध भाव प्रकट होता हो। अभी कोई आके कहे कि हम फलाने दे, अब किसी की निंदा नहीं है, किसी देश का नाम ले, किसी अन्य स्थान का नाम ले, तो निश्चित है कि उसके भाव सुनकर के हृदय में कुछ भी प्रकट हो, ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। पर जिस स्थान का नाम लेने मात्र से ठाकुर जी और ठाकुर जी के प्रिय वैष्णव जन हृदय में प्रकट हो जाएं, कितनी बड़ी बात है। और बुंदेलखंड, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, साधारण नहीं है बुंदेलखंड। यहां पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई, ये तो पूरे विश्व को पता ही है, परंतु हमारे ब्रज के उपासक संतों में भी श्रेष्ठ संत सब बुंदेलखंड में ही हुए, जिन्होंने ब्रज के रस को गाया, वृंदावन बिहारी चंद के गुणों को गाया, रसों को गाया, वे सब बुंदेलखंड में ही हुए। और एक और बात कहें बहुत विशेष, हमारे वृंदावन में महाराज जी 7 प्रमुख ठाकुर जी हैं। कौन कौन से? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और श्री वृंदावन बिहारी लाल। ये 7 प्रमुख ठाकुर हैं वृंदावन के। मुगलों के आने के बाद वृंदावन के कई ठाकुर जी बाहर विराजमान हुए, अन्य प्रांतों में चले गए। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश मतलब वृंदावन को छोड़ करके ठाकुर जी ने 2 प्रांतों को स्वीकार किया। वृंदावन के अलावा ठाकुर जी 2 प्रांतों में गए, या तो गए राजस्थान या फिर गए बुंदेलखंड। राजस्थान में 3 ठाकुर जी विराजमान है वृंदावन के, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी। और वृंदावन के एक बड़े प्यारे ठाकुर जी आपके बुंदेलखंड में विराजमान है, श्री पन्ना के युगल किशोर जी। बोलो युगल किशोर लाल की। आपने दर्शन किए हैं पन्ना में? वे हमारे वृंदावन के लाला हैं, वृंदावन के ठाकुर जी हैं। और वैसे देखी जाए तो महाराज आप सबके घरन में, चाहे पूरे विश्व के जितने भी घरों में लड्डू गोपाल बैठे हैं, सब कहां से आए? सब वृंदावन से ही पधारे। लालों को जन्म दिया है इस भूमि ने, वहां आकर के अपनी वाणी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं इस ये एक मंत्रणा रहती है ना, कथा तो बड़े बूढ़े लोग ही कराते हैं। नहीं, हमारी उम्र के युवा लोग ही करा रहे हैं, युवा वक्ता, युवा श्रोता और युवा यजमान। तो ऐसी बालिकाएं हर घर में हों जो अपने माता पिता को प्रेरणा दें कि भागवत की कथा कराओ। उनकी सरकारी नौकरी है तो बोलेंगे हम अपना जो भी वेतन हमको मिलेगा, हम उससे पहला यही उसको व्यय करना चाहते हैं कि हम कथा करें। लोग बाग कैसे होते हैं, अच्छी नौकरी लग जाए तो उसमें पार्टियों में खर्च करते हैं, दुनिया भर के सांसारिक स्थिति में उसका व्यय करते हैं। पर ये हिंदू बालक की पहचान है कि वो अपने कमाई गए वेतन से कोई धार्मिक अनुष्ठान करावे, कोई वैदिक क्रिया करावे, भागवती कथा करावे, वैष्णव जनों की कोई सत्संग की क्रिया करावे, संत जनों का प्रसादी करावे। ऐसे व्यक्ति का धन फिर कभी भी घर में कलयुग को नहीं आने देगा, उसका धन पवित्र हो जाएगा और वो सदैव उस धन से ठाकुर जी उसके घर में आएंगे।
तो बहुत बहुत आपको साधुवाद के ऐसे भाव से आप कथा करा रहे हैं। अब सबको हम साधुवाद करते हैं और आज प्रथम दिन है कथा का। कथा का बंधुओं समय 2 बजे से है। महाराज जी कह रहे थे आप 15 मिनट पहले आना, नहीं आधे घंटे पहले आना कल से। 2 बजे का समय तो हमारा बैठने का, आप लोगों का समय 1:30 बजे है। आप 1:30 बजे यहाँ आ जाइए, 2 बजे कथा प्रारंभ होगी। और एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, कथा का समय 5 बजे तक 6 बजे तक जो भी है लिखा हुआ बोर्डों पर, यदि जो बोर्ड पर लिखा है उतने बजे कथा पूरी हो जाए तो समझ जाना कि आज महाराज जी का मन कथा में नहीं लगा। और जिस दिन समय से ऊपर कथा जाए समझना आज महाराज जी बड़े प्रसन्न है भैया, है आज कथा ज्यादा चल रही है। तो हमारा मन कैसे लगे आप लोग ध्यान से सुनोगे तो हमारा मन लगेगा। हम कोई पढ़ करके या कोई रटी रटाई बात कहने के इच्छुक कम होते हैं। हमारा होता है कि वातावरण जो कहवाए वो भाव हम कहें, वो भाव हम सुनाए। इसलिए आप सब लोग कल से समय का ध्यान रखना, 1:30 बजे ही आ जाइएगा। आने का समय निश्चित होगा, जाने का समय हमारे हाथ में है, कब जाओगे ये हम चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, खूब भाव से हम कथा सुनेंगे। आज प्रथम दिवस है तो इसलिए महात्म से कथा प्रारंभ करते हैं और जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी तब तक कथा का क्रम रखेंगे। बाकी कल से आप सब लोग 2 से 5, 5:30, 6 बजे तक कथा का क्रम चलेगा। आइए आज भागवत के प्रथम दिवस के महात्म में हम लोग प्रवेश करते हैं। थोड़ा आप हमें पहचानो, थोड़ा हम आपको पहचानते हैं। आज थोड़ा सा पहचान पहचान ही हो जाए, कल से तो फिर जानकारी बन जाएगी तो और सहज कथा होगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। भगवान के 3 रूप 3 कर्म और 3 गुण इसमें बताए गए। वैसे तो ठाकुर जी कोई कर्म नहीं करते, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण हैं, निर्विकार हैं। परंतु हम लोग वृंदावन चंद के उपासी हैं इसलिए हमारे ठाकुर जी में गुण भी हैं, हमारे ठाकुर जी का आकार भी है। वैसे तो ठाकुर जी निराकार हैं, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वे निराकार हैं परंतु भक्त की वैष्णवता से ठाकुर जी आकार भी धारण करते। कहीं पर लड्डू गोपाल बन के बैठे हैं, कहीं पर त्रिभंग लली बन के बैठे हैं, कहीं पर भुजा पर गिरिराज जी धारण करके हमारे पीछे श्रीनाथ जी ये ऐसे खड़े हैं। अरे कहां तक बताएं, जगन्नाथपुरी जाओ वहां ठाकुर जी प्रेम विगलित दोनों भुजाएं आगे करके बैठे हैं। दक्षिण जाओगे तो शेष नाग पर ठाकुर जी पौड़े हैं। अपने भक्त के प्रेम के अनुसार ठाकुर जी ने रूप भी धारण किए हैं, कहीं धनुष धारण करके ओरछा में विराजमान राम राजा सरकार है। अपने वैष्णव के प्रेम के भाव से ठाकुर जी यथा यथा स्थान पर आकार धारण करके बैठे हैं, परंतु मूल भाव देखो तो ठाकुर जी निराकार हैं। ठाकुर जी कर्म से विहीन रहते हैं, कोई कर्म नहीं करते, उनको आवश्यकता क्यों? कर्म वो करे जिसको फल की इच्छा, ठाकुर जी को क्यों इच्छा? परंतु फिर भी हम आप सबके लिए ठाकुर जी इनमें व्यवस्थित भी हैं। तो कैसे कैसे व्यवस्थित हैं ये सुनिए। 3 रूप सत चित और आनंद। ठाकुर जी सच्चिदानंद, बहुत सावधानी से सुनना। ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य। माफ कीजिएगा, कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, रोज तिलक लगाता है, रोज धोती पहनता है, रोज कंठी माला धारण करता है, प्याज लहसुन नहीं खाता, बहुत शुद्ध पवित्र स्थिति में रहता है, लेकिन झूठ बोलता है,
तो उसके द्वारा किए गए जितने भी कर्म है ना वो इतने ज्यादा सार्थक नहीं माने जाएंगे। लेकिन तिलक भले ही नहीं लगा पाता, मंदिर भले ही नहीं रोज जा पाता, ठाकुर जी को प्रणाम भले ही रोज नहीं कर पाता, लेकिन सत्य बोलता है तो वो नियम करने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ है, वो नियम करने वाले से ज्यादा योग्य है। कहने का अभिप्राय, नियम तब सार्थक होगा जब आप आंतरिक स्थिति से भी शुद्ध हो। कहने का अभिप्राय ऐसा भी समझ लो कि दवाई तब लगेगी जब परहेज करोगे। दवाई तो खा रहे हो शुगर की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई ये शुगर की दवाई है, इसको रोज सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, रात में खाओ। आपने कहा ठीक है। 2 महीने बाद शुगर चेक करी तो 350। डॉक्टर बोला यार तुम्हारी शुगर कम नहीं हो रही है। बोले दवाई तो मैं रोज खा रहा हूँ। बोले दवाई खा रहे हो लेकिन भोजन पानी क्या करते हो? बोले वो तो हम बढ़िया कचौड़ी खाते हैं महाराज, सुबह सुबह आलू की सब्जी डाल करके कचौड़ी जलेबी खाते हैं, दोपहर में बढ़िया लस्सी पीते हैं, रात में मीठा चस दूध पी के सोते हैं। डॉक्टर कहेगा भले आदमी हमारी दवाई काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम परहेज तो करते ही नहीं। तिलक लगाना, चोटी रखना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, मंदिर जाना, ये सब दवाइयां हैं, लेकिन परहेज क्या है? परहेज है सत्य बोलना। परहेज क्या है? प्रिय बोलना। परहेज क्या है? माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना। परहेज क्या है? किसी के साथ छल ना करना। परहेज क्या है? किसी का कपट ना करना। परहेज क्या है? किसी का धन ना मारना, किसी से मोह ना करना। ये परहेज नहीं करोगे तो बाकी की सब क्रियाएं धरी रह जाएंगी, कोई लाभ नहीं होगा उनका। इसलिए परहेज आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सारे परहेज हैं, इनको भी करना जरूरी है। और माफ कीजिए, कोई व्यक्ति यदि परहेज करता है लेकिन दवाई लेना भूल जाए तो भी सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए भैया दवाई बाद की बात है, पहले परहेज करो। शुद्ध रहना, पवित्र रहना, नियम करना, सुबह 4 बजे उठ जाना, तिलक लगाना और ये सब करना, ये सब जरूरी है, लेकिन उससे पहले परहेज, अपने हृदय को शुद्ध करो। आप कहेंगे महाराज जी वो कहां होगा, ये कथा उसी के लिए हो रही है। इस कथा के बदले आप और कोई कामना मत रखिए। कथा सुनने से हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, कथा सुनने से हमारे घर के सारे कलेश मिट जाएंगे, कथा सुनने से हमारे बेटे का ब्याह हो जाएगा, बिजनेस बढ़िया चल जाएगा, बेटी एग्जाम में पास हो जाएगी आदि, ये सब आपके कर्म पर निर्भर करता है। कथा सुनने से आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, यही एक उद्देश्य है कथा का। बस भगवान का पहला रूप है सत्य। सत्य, सत्य। दूसरा रूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी जड़ नहीं है बंधुओं। अब हमारे महाराज जी के गोपाल जी को देखो, इन्होंने बढ़िया स्वेटर वेटर सब पहन रखे हैं। अब कहने वाले तार्किक व्यक्ति ये भी कह सकते हैं भगवान को सर्दी कहां लगती है, लेकिन हम उनको चैतन्य मानते हैं। नहीं भैया, जैसे हमको लगती है वैसे उनको भी लगती है, जैसे हमारे मन में भाव वैसे उनको भी भाव आता है। ये चैतन्यता ही भक्ति को जन्म देती है। यदि चैतन्य भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं होगा तो फिर तो आप कुछ भी पहना दो, कहीं भी बैठा दो, कैसे भी रख दो, ऐसा नहीं। जैसे ही आपके हृदय में भाव आएगा कि ठाकुर जी चैतन्य है तो अपने आप सेवा आप करने लगोगे, अपने आप सेवा बनने लगी। एक 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 सत्य घटना सुनाते हैं। एक वैष्णव के घर पर ठाकुर जी की सेवा होती थी, तो वैष्णव रात में सुलाते समय ठाकुर जी का बढ़िया बिस्तर लगाते, उसमें इत्र लगाते, गर्मी का समय तो बढ़िया सूती के कपड़े की चद्दर बिछाते, सर्दियों का समय तो बढ़िया मलमल का बिछाते ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि में वो अपने ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे ही अपने कक्ष में गए, जैसे ही सोने लगे, तो बार बार उनको ऐसा लगे कि गद्दे में कुछ चुभ रहा है,
उन व्यक्ति को जो सेवा करते थे, वो बार बार उठ करके देखें, बोले ये चुभ क्या रहा है, और जैसे ही देखें तो कुछ भी नहीं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, पूरी रात बेचारे परेशान ही होते रहे। एक बार उन्होंने स्थान भी बदल दिया, कहीं और सो जाऊं, तो वहां सोए तो वहां पर भी वो चुभने लगा। उनको लगा ये है क्या, ये चुभ क्या रहा है मुझको। पूरी रात निकल गई परेशान होते होते। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी की सेवा के लिए स्नान ध्यान करके मंदिर में गए, तो जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, उठा करके व्यवस्थित किया, तो जो शयन शैया थी, सोने का जो बिस्तर था ठाकुर जी का, उसको साफ करने लगे। देखे ठाकुर जी की चद्दर के नीचे पुराने 3 दिन के सूखे पुष्प पड़े थे। उनके मन में आई, बोले ये ठाकुर जी को रात भर चुभ रहे थे, इसीलिए परेशानी मुझे हो रही थी, इसीलिए वो मुझको भी चुभ रहे थे। माने ठाकुर जी रात भर संकेत कर रहे थे, अरे तू तो तान दुपट्टा सो गया, लेकिन वो पुष्प मुंह को चुभ रहे हैं, भैया उनको आगे निकाल के जा, मैं सो नहीं पा रहा हूं। और वो भक्त समझ नहीं पाया तो उसको भी रात भर चुभते रहे। ये भाव कब प्रकट होता है, जब आप ठाकुर जी को चैतन्य भाव से पूछते हो। यदि आप मानोगे कि ये तो मूर्ति है, ये तो पाषाण है, तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण ही समझेंगे। फिर आपके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, दारिद्र आए, तो ठाकुर जी कहेंगे भैया जब हम पे कष्ट दुख दारिद्र सो लगे, तो तेरे मन में बिल्कुल भी भावना नहीं आती कि ये चैतन्य, तो हम क्यों चैतन्य भाव रखे तुम्हारे प्रति। ठाकुर जी को चैतन्य समझो, वे चैतन्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य भाव से भजने लगोगे, तो अपने आप आपकी भक्ति में सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। सुख में और आनंद में अंतर होता है बंधु। एक समय के बाद जो घटने लग जाए वो सुख है, परंतु अनंत मिलने के बाद भी बढ़ता रहे वो आनंद है। कथा सुनना, वृंदावन जाना, राम राजा सरकार के दर्शन करना, गंगा जी में स्नान करना, यमुना जी का दर्शन करना, संतों की कथा सुनना, ये सब सुख नहीं देते हैं। कभी मत कहना कथा सुनने से बड़ा सुख मिलता, ना, कथा सुनने से आनंद मिलता है। सुख तो उसे कहते हैं जो एक अवधि बाद घटने लगे, एक समय के बाद कम होने लगे, पर आनंद कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। तो भगवान का तीसरा रूप क्या है, आनंद। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन भगवान के रूप हैं। ऐसे ही तीन भगवान के कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार करना, ये तीन भगवान के कर्म हैं। और ऐसे ही तीन भगवान के गुण हैं, तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का जो उपशमन करते हैं, तीनों तापों का जो नाश करते। ताप किसको कहते हैं, ताप कहते हैं दुख को। ठाकुर जी की शरण लेने वाला वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसके जीवन में भी दुख आता है, तो फिर भगवान की शरण ग्रहण क्यों करें। बोले ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से दुख नहीं आता, ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से दुख का अनुभव नहीं होता। दुख तो आएगा लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा, उसका इतना पता। एक हमारे ब्रज के एक रसिक थे, उनका नाम था श्री कुम्भन दास। क्या नाम था, कुम्भन दास। कुम्भन दास जी के सगे पुत्र पधार गए। जैसे ही पधारे महाराज, तो किसी ने जाकर के कुम्भन दास जी से कहा, हे कुम्भन दास जी, आपके पुत्र का निधन हो गया। तो कुम्भन दास जी जैसे ही सुना मेरे पुत्र का निधन हो गया, मूर्छित होकर गिर गए। तो लोगों में बात होने लगी, बोले ये अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, लेकिन देखो कितनी सांसारिक स्थिति इनके हृदय में। पुत्र के मरने की बात सुनकर के सांसारी व्यक्ति रोता है, लेकिन ये तो इतने सांसारी थे कि मूर्छित ही हो गए, अपने आप को भक्त बताते हैं। तभी किसी ने जाकर के गुसाई जी को यह बात बताई, बोले कि महाराज कुम्भन दास जी के पुत्र पधार गए और वो सुनते ही मूर्छित हो गए। गुसाई जी बोले, पुत्र मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुए होंगे, जरूर पीछे कोई ना कोई राज है, बहुत ध्यान से सुनना। तो गुसाई जी गए
और गोसाई जी ने जाकर के कुम्मन दास जी को देखा, कुम्मन दास जी मूर्छित पड़े थे। गोसाई जी ने कान के पास जाकर के कहा, अरे कुम्मन दास, मुझे पता है तुम पुत्र विरह में मूर्छित नहीं हुए हो, तुमको इस बात का विरह है कि पुत्र मर गया, 13 दिन के सूतक लग गए, अब मैं मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम मूर्छित हुए। लेकिन हम तुमको वचन देते हैं 13 दिन तक हम एक खिड़की में से तुमको दर्शन कराते रहेंगे। जैसे ही सुना तुरंत कुम्मन दास जी ठीक हो गए, बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो गया 13 दिन तक मंदिर कैसे जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, ठाकुर जी के शरणागत करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा पर उसको उसको इतना अनुभव नहीं होगा, उसको स्वयं को इतना ज्यादा दुख परेशान नहीं करेगा, वो प्रसन्न रहेगा। फिर भी मीराबाई के जीवन में कितना कष्ट आया, सूरदास के जीवन में कितना कष्ट आया, भक्त वैष्णवों के जीवन में भी कष्ट आता है, परंतु भक्ति की वजह से, वैष्णव धर्म पालन की वजह से उनको उस कष्ट का, दुख का अनुभव नहीं होता, उसका पता नहीं चलता। इसलिए भक्ति का मार्ग बड़ा जरूरी है बंधु। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णा ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, हमारे ब्रज में गाते हैं, हो ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। एक बात हमारी ध्यान से सुनिए, जब भी लगे कि जीवन में कष्ट बहुत बढ़ रहा है या विपत्तियां आ रही हैं, एकांत में बैठिए, किसी को दिखाइएगा नहीं, नहीं तो आडंबर लगेगा। एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करना, ओरछा के राम राजा सरकार का स्मरण करना, हमारे पन्ना के युगल किशोर जी का स्मरण करना, और उनका स्मरण करके बस उनके रूप का दर्शन करते रहना। जो नाम आपको याद हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठाकुर जी के मंगल नाम का गुणानुवाद प्रारंभ कर देना, थोड़ी देर भगवान नाम गा करके फिर नेत्र खोलना, आप देखेंगे कि आपका जो संकट है, कष्ट है, वो अगर 100% ऊपर आया था तो अब वो 40% या फिर 30% 25% तक खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी की स्मृति में इतनी ताकत है, और ये बात कोई मैं कह रहा हूं ऐसा मत मानिएगा, श्रीमद् भागवत में स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का स्मरण मात्र सारी विपत्तियों का नाश कर देता है। इसलिए भैया भगवान नाम का खूब आश्रय लो, जब भी जीवन में कष्ट आए ठाकुर जी को खूब पुकारो। और एक बात और सुनिए, केवल कष्ट आने पर मत पुकारो, अभी से पुकारते रहो, बस अपनी स्थिति में ऐसा ले आओ कि भगवान नाम के बिना हम जी ना सके। खूब भाव से गाओ, ओ सब दुख दूर हुए के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया विष का भरा प्याला, अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया, सब दुख एक ही अभिलाषा है नाथ, और वो अभिलाषा इस पंक्ति में सब लोग गाना, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, हमारा दुख और कुछ है ही नहीं नाथ, हमारा दुख केवल ये कि आप हमें दिख नहीं रहे हो, आपका दर्शन हमको हो नहीं रहा है, यही दुख है बस, कैसे दर्शन करना है। ओ अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए का भाव से लिया।
सर्व विपद विमोक्षण। निरंतर हरिस्मरण करते रहो तो विपत्ति आने पर भी उसका उतना अनुभव नहीं होगा। जैसे मैं कहा करता हूं कि हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो या कोई चिकित्सा गहरी करनी हो तो जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि वो एरिया पूरा सुन्न हो जाता है। फिर वहां भले ही कैंची चलाएं, चाहे चाकू से काट दें, कोई दर्द नहीं होता। कैंची चलती है, चाकू चलती है, लेकिन दर्द नहीं होता। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये भक्ति भी एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार यदि अच्छे से लग जाए तो फिर कितने भी संकट जीवन में आ जाए अनुभव नहीं होता। वो संकट आपको पीड़ा नहीं देते, वो कष्ट नहीं देते। और एक बात और बताएं, अपने जीवन के हर क्षण को आप ठाकुर जी के द्वारा दिया गया प्रश्न समझ करके हल करते जाओ। कई लोग कहते हैं, महाराज जी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, हमारे जीवन में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पीड़ा है, विपत्ति है। भाई कठिन परीक्षा पत्र भी उसी को दिया जाता है जो अच्छा पढ़ा लिखा बालक। जो बालक पढ़ता ही ना हो, जो बालक बिल्कुल पीछे ही बैठता हो, आकर के केवल ऊधम मचाता है, स्कूल केवल और केवल माता पिता के कहने से आता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, ऐसे बालक से तो साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं।
लेकिन जो बालक पढ़ने में अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनसे कठिन सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर जीवन में विपत्तियां ज्यादा कठिन लग रही हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस संसार रूपी विद्यालय के आप श्रेष्ठ बालक हो, इसीलिए आपसे कठिन परीक्षा रूपी प्रश्न किया जा रहा है। संसार एक विद्यालय है और हम आप सब लोग यहां के एक विद्यार्थी हैं। अपने जीवन रूपी परीक्षा को हल करने के लिए हम लोग यहां आए। किसी के प्रश्न बड़े सरल हैं। देखो, प्रश्न तो किसी के सरल नहीं है। जो पढ़ लिख करके तैयारी रखता है उसके लिए प्रश्न आसान है, जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है उसके लिए हर प्रश्न कठिन है। तो आप कहोगे, महाराज जी प्रश्न आसान कैसे लगे संसार रूपी परीक्षा में? तो ये भागवत रूपी ट्यूशन जो लोग लेते रहते हैं, बीच बीच में सत्संग करते रहते हैं, संतों को प्रणाम करते रहते हैं, गौड़ बाबा स्थान पर आके प्रणाम, पीताम्बरा मैया को प्रणाम करते हैं, युगल किशोर जी को प्रणाम करते हैं, ओरछा नरेश जाते हैं, या फिर वृंदावन बिहारी लाल के सन्निधि में जाते रहते हैं, ऐसे लोगों को परीक्षा पत्र बड़े आसान लगते हैं, वो लोग पार कर लेते हैं उसको। तो ठाकुर जी की शरणागति से दुख दूर नहीं होते, ठाकुर जी की शरणागति से दुख की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। दुख तो आता है जीवन में। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो तीन गुण हैं, तीन कर्म हैं और तीन रूप हैं ठाकुर जी के। अब यहां से महात्म की कथा प्रारंभ होती। महात्म का मतलब होता है महत्व। भागवत का महत्व क्या है, हम लोग क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुनाई जा रही है ये कथा, ये सब यहां पर अब बताया जा रहा है। भैरवी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अट्ठासी हजार सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। कलयुग में आने वाले मानव सब सुखी हों, सबकी बुद्धि विवेक बना रहे, उसके लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ से कोई सफलता ना मिलने पर उन्होंने सूत जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया, भगवान कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमें बताओ। तब सूत जी महाराज यहां से सुनाना प्रारंभ करते हैं कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे संभव है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। दो बजे से लेके और जब तक हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप इधर उधर मत देखना, बस हमको देखना है। और हम में रुचि नहीं लग रही हो तो पीछे ठाकुर जी, इनको देखना, बाकी किसी की तरफ दृष्टि डालनी नहीं है। कोई नेता आ जाए, कोई बहुत बड़े कोई नगर सेठ आ जाए, कोई कितना सुंदर व्यक्ति आ जाए, आपको ध्यान इधर उधर करना ही नहीं, ध्यान से कथा सुनो बस, एक एक निष्ठ होकर के। देखो, श्रोता को कथा सुनने के नियम कई बार पूछते हैं, महाराज जी नियम क्या होते हैं कथा सुनने के? जैसे व्यास पीठ पर व्यास बैठता है वैसे श्रोता को बैठना चाहिए एक आसन पर, बिना पानी पिए, बिना जल पिए। हम बीच में क्या कर रहे हैं, कहीं उठ के जा रहे हैं? आप लोग तो कभी यों कभी यों, कई लोग तो पांव पसार के बैठ जाते हैं। एक आसन पर बैठो। जैसे व्यास केवल श्रोताओं को देखता है, ऐसी श्रोता केवल व्यास को देखे। फोन वोन ये सब दूर रखिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपनी अपना एकाग्र चित्त कथा में रखिए, ध्यान से सुनिए। हम क्या बता रहे थे, मानव कल्याण। आपने ये कभी प्रश्न खुद से पूछा कि कल्याण कहते किसको है? मानव का कल्याण, मानव का कल्याण, मानव का कल्याण, ये तो बहुत जगह सुना होगा। ये यहां यज्ञ हो रहा है, ऐसा कर दो आपका कल्याण होगा, वहां पर अनुष्ठान चल रहा है, वहां पर यजमान बन जाओ कल्याण होगा, कथा हो रही है उसमें यजमान बन जाओ कल्याण होगा, गरीब कन्याओं का विवाह कराओ भैया कल्याण होगा, ये होगा वो होगा, कल्याण कहते किसको हैं? है
इस जन्म की सार्थकता क्या है? कभी पूछा आपने खुद से, हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? अगर आप सोचते हैं कि केवल धन कमाने के लिए हुआ, तो कितना कमाओगे, कहां तक कमाओगे? और क्या बहुत धन कमाने वाले लोग, क्या वो संतुष्ट हैं? क्या वो तृप्त हो गए कि अब कुछ नहीं करना हमको? नहीं, वो भी बेचैन बैठे। क्यों? धन कमाने के बाद अब उनकी इच्छाएं कुछ और हैं। कल्याण है क्या? कल्याण कहते किसको है? कभी खुद से प्रश्न किया हमारा कल्याण होगा कैसे? किसको कहते हैं कल्याण? ये प्रश्न कीजिए। और एक, हम वैसे तो ऐसा करते हैं कि जहां कहीं भी मैं ये प्रश्न करता हूं, तो मैं श्रोताओं से ही कहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कल्याण किसको कहते हैं, लिख करके कल कथा में हम आए उससे पहले यहां पर पर्चियां जमा करना। मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि किसका सही उत्तर होगा, उसका उत्तर हम मंच से बताएंगे कि हाँ ये उत्तर ठीक है। और 7 दिन तक यही उद्देश्य लेके बैठिएगा कथा में कि कल्याण है क्या, कल्याण कहते किसमें, मानव कल्याण है किसमें, मुझे यही जानना है। और ये जानने के लिए आप कथा सुनो, आपको कथा में ही उत्तर मिलेगा। हम ये नहीं बताएंगे कि ये उत्तर है, उत्तर ढूंढना आपको है। कल्याण, सौनकादि ऋषियों ने जाकर के सूत जी से प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मानव कल्याण का श्रेष्ठ साधन बताओ, कैसे होगा? सूत जी महाराज परम विद्वान हैं। सूत जी बोले, देखिए सौनकादि ऋषियों, आप सब लोग हमसे प्रश्न करने के लिए आए हैं, और आप लोगों ने ऐसा प्रश्न किया है कि इस प्रश्न से पूछने वाले का भी कल्याण होगा, बताने वाले का भी होगा, और सुनने वालों का भी होगा। प्रश्न सदैव ऐसा करना चाहिए कि हमारा भी उद्धार हो। श्रेष्ठ ही करना चाहिए। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम आप सब लोग काल मतलब समय, काल रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, काल रूप नर। व्यास जी जो सूत्र दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। जीवित अवस्था में धन कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चे का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है, अपना सब सुखद करना है, ऐसा करना, नाम कमाना, यश कमाना, वैभव सब चीज है। हम सारी व्यवस्थाएं करते हुए चलते हैं, लेकिन हमको जिसके बारे में पता है कि ये हमारे साथ होना ही है, यानी कि मृत्यु, कभी उसके लिए विचार किया? एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी मैंने विचार किया। मैंने कहा क्या विचार किया? बोले कि मैं बेटे के लिए प्रॉपर्टी छोड़ जा रहा हूं, घर वालों के लिए घर बना के छोड़ जा रहा हूं, बैंक में इतना FD छोड़ जा रहा हूं। मैंने कहा वाह, उसमें भी सब संसार के लिए छोड़ के जा रहे हो, है अपने लिए क्या करके जा रहे हो? स्वामी विवेकानंद, उनके लिए आज आप कह सकते हो कि उनकी मृत्यु सार्थक हुई, उन्होंने अपना कल्याण किया। क्यों? स्वामी विवेकानंद को गए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक स्वामी विवेकानंद की नीतियां कितने लोगों का कल्याण कर रही हैं। आपके
बुंदेलखंड की भूमि पर हमारे वृंदावन के एक अद्भुत वृंदावन रस को जिन्होंने गाया, ऐसे अद्भुत एक महात्मा हुए, उनका नाम था श्री हरिराम व्यास जी। ओरछा नरेश के निर्देश करता थे श्री हरिराम व्यास जी, लेकिन वृंदावन जैसे ही आए तो वृंदावन आकर के ऐसा रस चढ़ा उनको राधा वल्लभ लाल जी का कि फिर तो वृंदावन की रह गए। उनका एक पद भी गाते हैं हमारे वृंदावन में, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने में, श्याम राधिका गाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, निरख निरख विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी इसी बुंदेलखंड के लाल हमारे ब्रज में पधारे और उन्होंने ब्रज रस का बड़ा उत्थान किया। उनका जन्म कल्याणकारी हुआ, आज तक उनके द्वारा रचित पदों पर ब्रज के कितने रसिक जन अपना कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। अपनी मृत्यु को सफल बनाना, अपनी मृत्यु को श्रेष्ठ बनाना, मृत्यु के बाद भी अपने कर्म से लाखों का कल्याण करना, ये कह सकते हैं कि ये हमारा कल्याण हुआ है। केवल धन कमा लेना, वैभव कमा लेना, यश कमा लेना, धन कमाना अगर कल्याण होता ना तो रावण ने बहुत धन कमाया था, इतना धन कमाया कि महाराज रखने के लिए जगह नहीं मिली तो सोने ही चिन्ह दिए अपनी दीवारों पर, पूरी नगरी को सोने का कर दिया। यश कमाना ही केवल अगर कल्याण का विषय होता है तो कंस ने बहुत यश कमाया था, हमारे यहां का राक्षस मथुरा का बहुत यश था उसका। यश का मतलब क्या होता है कि चार लोग चर्चा करें, उसका यश तो महाराज दसों दिशाओं में फैला हुआ था। धन कम, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ है कि आप और हम बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। तो कल्याण का कारण श्रेष्ठ बन जाना, धन कमा लेना, यश वैभव कमा लेना नहीं है। कल्याण का कारण है कि आपका देह पृथ्वी छोड़ के चला गया, लेकिन उसके बाद भी आपके द्वारा किए गए कर्मों से, आपके द्वारा बताए गए मार्गों से लाखों लोग अपना कल्याण कर रहे हैं आज तक। ये कल्याण का मार्ग है। इसको कल्याण कहते हैं। इसलिए बंधुओं, बहुत कम समय बचा है हम लोगों के पास में। अब तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, कलयुग को 100 वर्ष का वरदान है कि यहाँ पे लोग 100 वर्ष जिएंगे, परंतु कोई उंगली पर ही आप गिनती कर सकते हो कि इस साल कितने लोग 100 वर्ष जिए होंगे, तो उंगलियों पर गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग होंगे, और मैं 10-15 भी शायद ज्यादा ही बता रहा हूँ। 70, 60, 50 के बाद तो बस गिनती सुन करने लग जाओ, कब चले जाए कुछ पता ही नहीं है। इतने कम समय में क्या करें, कल्याण का विषय स्थापित करो, यही कल्याण का। और ये कल्याण हमारा हो, ये भावना उत्पन्न कैसे होगी हृदय में, तब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ की रेणु भाषितम। भैया कलयुग में तो केवल और केवल श्रीमद भागवत जी का आश्रय ले लो, भागवत जी की कथाएं सुनना प्रारंभ कर दो, और भागवत में सुने गए वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रारंभ कर दो, आपका कल्याण अपने आप होने लग जाएगा। आप अपने कल्याण के मार्ग के अपने आप पथिक बन जाओगे, ऐसा शास्त्र है श्रीमद भागवत। एक भाव मन में आ रहा था कल परसों,
हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर के पुजारी जी से पूछते हैं, महाराज जी ये मंदिर कितना पुराना है, यहाँ ठाकुर जी की कब से सेवा हो रही है? तो बोलते हैं, महाराज यहाँ तो 200 वर्षों से सेवा चल रही है, 300, जितना पुराना मंदिर उतनी ज्यादा मान्यता, जितनी वर्षों से ठाकुर जी की सेवा ज्यादा चल रही होगी समझो उतने ज्यादा ठाकुर जी में बल, ठाकुर जी में तेज उतना ज्यादा। आपको पता है श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ कितनी पुरानी है? 5,500 वर्ष पुरानी है। 5,500 वर्षों से लाखों करोड़ों असंख्य अरबों खरबों वक्ता कथा करते आ रहे हैं और श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यदि सबसे सिद्ध विश्व में कोई मंदिर है तो वो भागवत का प्रांगण है, श्रीमद् भागवत का पंडाल है। सबसे सिद्ध और सबसे ज्यादा पूजनीय और सबसे प्राचीन यदि मंदिर में कह दूं तो श्रीमद् भागवत का पंडाल। पंडाल जब तक बना तब तक नहीं, जैसे ही शोभा यात्रा के बाद भागवत जी यहां विराजमान हो गई और एक व्यास दक्षिणा के प्रलोभन से नहीं, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं इस प्रलोभन से नहीं, यहां बैठा जितने व्यक्ति हैं इन सबका कल्याण का दायित्व मेरा है इस भावना से व्यासपीठ पर बैठ जाए तो वो पंडाल सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा सिद्ध स्थान मान लीजिए उसको। हमारे एक वैष्णव कथा सुना रहे थे तो उन इतनी अच्छी बात कह रहे थे कि महादेव और पार्वती दोनों संग संग जा रहे थे, इतने में महादेव रुक गए और रुक करके एक जगह को प्रणाम करने लगे तो पार्वती जी बोली, आप इस जगह को प्रणाम कर रहे हैं ये कोई तीर्थ है, कोई धर्म स्थान है, कोई संत की तपस्थली है, क्या आपने इसको प्रणाम क्यों किया? भगवान महादेव बोले, मैं इस स्थान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि इतने वर्ष पहले यहां पर एक भागवत की कथा हुई थी तो कथा होने की वजह से यह स्थान अब तीर्थ हो गया, प्रणाम योग्य हो गया है, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, बोले कथा होने से पवित्र हो गई? बोले निश्चित। थोड़ी दूर जाकर के देखा तो महादेव फिर प्रणाम करने लगे। पार्वती जी बोली, यहां पे भी कथा हुई होगी इसलिए आप प्रणाम कर रहे हो? महादेव बोले, नहीं यहां पे कथा हुई नहीं, यहां 500 वर्ष बाद कथा होगी इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। 500 वर्ष बाद कभी यहां कथा होगी इसलिए ये स्थान भी पूजनीय है। सोचो, हमको आपको बहुत सहज लगता है कथा सुनना, कथा कराना, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा होती है 33 कोटि देवता 7 दिन के अंतर अंदर किसी ना किसी रूप में तो हाजिरी लगाते ही लगाते हैं वहां पर, यह निश्चित है, साधारण नहीं है भागवत की कथा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, भागवत में नारद जी कहते हैं अनंत जन्मों का फल जब उदित होता है तब भागवत की कथा सुनने और कहने का अवसर प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत, इनके आश्रय में आने से व्यक्ति के हृदय में इच्छा प्रकट होगी कि अब मैं अपना कल्याण करूं, अब मैं अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करूं, इसलिए भागवत का आश्रय लो। सौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले महाराज ये भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत का थोड़ा महत्व तो हमें बताइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, बोले बस इतना ही समझ लीजिए, जिस भागवत के आगे स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया जाता है वो भागवत की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को और तभी देवता अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए और सबने आकर के सुखदेव जी से कहा कि आप परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए और इसके बदले हमको भागवत की कथा सुना दीजिए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया, बोले भगवान यदि इस अमृत में इतना ही श्रेष्ठता होती, इतना ही श्रेष्ठ अमृत होता तो ये देवता कलश लेकर के यहां खड़े नहीं रहते, पीपी करके अपना कल्याण करते थे, लेकिन यहां मैं भागवत सुन रहा हूं और देवता अमृत कलश लेकर के जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये अमृत इसको पिला दीजिए भागवत, जिसका मतलब श्रेष्ठ भागवत है, इसलिए मुझे भागवत की कथा सुनाइए, मुझे अमृत की इच्छा नहीं है। स्वर्ग के अमृत को ठुकरा देते हैं,
जिस भागवत के आगे, वो श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्वस्वधा कथा लोके क्वकाचुक मणिर्महा ब्रह्म रात्रो विचार्येवम् तदा देवांजहासः। आप सबसे प्रार्थना है देवताओं, अपने अमृत कलश को वापस ले जाइए। क्यों? बोले हीरा यदि लेना है तो कांच के बदले हीरा थोड़ी मिलेगा। आपका अमृत का कलश जो है ये कांच के समान है, और श्रीमद् भागवत हीरे के समान है, मणि के समान है, दोनों की कोई बराबरी नहीं। ऐसी भागवत की कथा। सोनकादि ऋषि बोले, सूत जी महाराज आपने भागवत की बड़ी महिमा बताई, जरा ये तो बताइए भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई? सबसे पहले ये भागवत की कथा कहां हुई, कैसे हुई, कृपा कर उसके बारे में हमें बताइए। तब सुनाया गया, बोले भैया एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, और पृथ्वी पर भ्रमण करके सब जगह उन्होंने छल कपट ईर्षा द्वेष इन सबको जब देखा तो बड़े परेशान हो गए। सब जगह इस प्रकार का दर्शन करते हुए जैसे ही वो वृंदावन गए तो वृंदावन में उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एक युवा कन्या बैठे बैठे रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। युवा की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं कन्या के में, ये देख करके उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बेटी ये तेरी गोद में जो दो वृद्ध लेटे कौन है और तुम कौन हो, रो क्यों रही हो, इतनी दासियां तुम्हारी सेवा में हैं, तुमको कोई कष्ट तो है नहीं, फिर तुम रो क्यों रही हो? तब उस युवती ने बताया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बताइए नारद जी, मां युवा हो और बच्चे वृद्ध हो जाएं, किस मां को अच्छा लगेगा? नारद जी महाराज तो चरणों में गिर गए, बोले अरे भक्ति महारानी आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, परंतु आपके पुत्र वृद्ध हुए कैसे? तो भक्ति महारानी कहती है, हम लोग समय की वजह से वृद्ध या युवा नहीं होते, हम जिस नगर में जाते हैं वहां के लोगों में जितना ज्ञान होगा, जितना वैराग्य होगा, जितनी भक्ति होगी, उतने हम युवान हो जाते हैं। सब जगह भ्रमण करती करती मैं वृंदावन आई, वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई लेकिन मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य नहीं है इसलिए वृद्ध हो गए, बोले ये भारत में कहीं भी युवा हुए ही नहीं, सब जगह वृद्ध ही रहे। मतलब भक्ति तो सबके अंदर है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं। भक्ति कैसी हम लोगों की? नवरात्रि का समय आता है तो घर में प्याज लहसुन आनी बंद हो जाएगी, नवरात्रि चल रही है, मैया अभी घर में कुछ भी गलत नहीं बनेगा, शुद्ध खाएंगे, शुद्ध पिएंगे, शुद्ध रहेंगे, और जैसे ही नवरात्रि चली जाती दशहरा आता है फिर से घर में सब कुछ आ, मतलब वो 9 दिन ही पवित्र थे, बाकी के दिन आप क्या पवित्र हैं? भैया हिंदू ये नहीं होते कि जो केवल 9 दिन कुछ नहीं खावे और श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं खावे, मंगलवार कोई व्रत करें, इसी दिन शुद्ध रह में, इसी दिन पवित्र रह में। अरे जो 365 दिन को पवित्रता से जिए वो हिंदू होता है। हर दिन को नवरात्रि बनाइए ना, क्यों केवल वो शारदीय नवरात्रि और एक और नवरात्रि, इन्हीं को ही आप शुद्ध क्यों मानते हो? हर दिन पवित्र है हमारे लिए, हर दिन शुद्ध है हमारे लिए। कभी कभी मन में बात आती है, जैसे हमारे ऋषियों ने नवरात्रि बना दी, जैसे हमारे ऋषियों ने शिवरात्रि बना दी, जैसे हमारे ऋषियों ने श्राद्ध पक्ष के नियम बना दिए, ऐसे यदि कभी किसी ऋषि ने यह कह दिया होता कि 365 दिन में एक दिन ऐसा होगा कि उस दिन कोई भी पाप करो आपको पाप नहीं लगेगा, तो क्या होता दुनिया, बताओ? किसी ऋषि ने अगर ये कह दिया होता कि 365 दिन में दिसंबर के महीने में और 25 तारीख को या 26 तारीख को या कोई भी डेट, उस दिन महाराज ऐसे नक्षत्र आते हैं कि व्यक्ति कितना भी जघन्य पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि हम उस दिन भी
जो बहुत माला फेरने वाला है, जो बहुत ज्यादा शुद्ध पवित्र है, वो भी कोई ना कोई पाप कर ही लेता। बोले आज तो कुछ लगना ही नहीं है, कर लो। हमारी स्थिति ऐसी है। जहां ये स्थिति है कि 9 दिन पवित्र रहने के बाद दशमी की इच्छा वो करते हैं, वो कब आवे कि दशहरा कब आवे, एकादशी कब, द्वादशी कब आवे, कुछ खाएं पिए, सभी नियम वियम तोड़े अपने। अरे बहुत बड़ी कृपा ऋषियों की कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि साल में एक दिन कुछ भी गलत करो कोई पाप नहीं लगेगा। कितने पाप हो जाते एक ही दिन में। फिर हर दिन को पवित्र मानो, हर दिन को नवरात्रि मानो, हर दिन को मंगलवार मानो, हर दिन को शिवरात्रि मानो, हर दिन को जन्माष्टमी रामनवमी मानो। क्यों साल में एक ही दिन हमने रख रखा है पवित्र रहने के लिए? बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्र बात है। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति सबके अंदर है लेकिन ज्ञान 0, वैराग्य -10 में और चले जाओ, 0 से भी नीचे आ जाओ। वैराग्य तो बिल्कुल ही नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी ज्ञान और वैराग्य कहते किसको हैं? ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान का मतलब क्या होता है? बहुत जानकारी होना, सारे वेद पाठ कर लेना, थ्रू आउट संस्कृत में बात करने लग जाना, थ्रू आउट इंग्लिश बोलने लग जाना, थ्रू आउट अलग अलग भाषाएं, भाषाओं का ज्ञान हो जाना, बहुत नॉलेज होना, उसको हम कहते हैं कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। नहीं, बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं कहलाता। अपने ज्ञान का सदुपयोग करना और उस ज्ञान से किसी की रक्षा करना या किसी को सद्मार्ग दिलाना, यह ज्ञान कहलाता है। यदि बहुत जानकारी होना, बहुत नॉलेज होना, बहुत ज्यादा बुद्धि में ज्ञान भर जाना अगर ज्ञानी कहलाता, हमारे पास तो एक ही बुद्धि है। रावण के पास 10 बुद्धियां थीं। उसका नाम दशानन इसलिए नहीं था क्योंकि वो 10 सिर वाला था। उसका नाम दशानन इसलिए था क्योंकि उसकी एक बुद्धि नहीं थी, उसकी 10-10 बुद्धियां थीं। एक मानव जितना चतुर हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा चतुर रावण था। एक मानव जितना विद्वान हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा विद्वान रावण था। वो हर प्रकार के व्यक्ति से 10 गुना आगे था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। वो फिर बाद में उसको ऐसा दिखा दिया कि 10 मुख हैं, प्रमाणित भी होगा शास्त्रों में कि वो 10 मुख वाला है। पर मेरी मान्यता ऐसी कहती, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास हम लोगों से 10 गुना ज्यादा, और हम लोग तो अभी कलयुग के हैं, वो तो त्रेता में था, त्रेता में तो हम लोगों से 100 गुना ज्यादा विद्वान लोग होते, तो उन विद्वानों से भी 10 गुना ज्यादा विद्वान था रावण। लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? आज तक त्रेता युग को भी निकले हुए लाखों करोड़ों वर्ष होने को आए हैं, लेकिन आज तक दशहरा मैदान में रावण जलता है। इसको ज्ञान नहीं कहते। वैराग्य का मतलब हम लोग सोच लेते हैं, पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, विरक्त हो जाओ, एक आश्रम में रहने लग जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। क्या कहेंगे? बोले वैराग्य धारण कर लिया है। अरे इन सब का त्याग करना वैराग्य नहीं होता है। और सीधी बात कहूं तो शरीर से वस्तु का त्याग करना वैराग्य नहीं होता, मन से वस्तु का त्याग करना वैराग्य होता है। कई लोग शरीर से छोड़ देते हैं लेकिन मन से नहीं छोड़ पाते। कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, तो बहुत ज्यादा बेचारे के ऊपर चढ़ गए सब घर वाले लोग, तो उसने छोड़ दिया। शरीर से तो छोड़ दिया लेकिन मन से क्या सोचता रहता है? कब मिलेगा खाने को, कब मिलेगा पीने को, कब मिलेगी मुझे बड़ी इच्छा हो रही है, कब होगा। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग का मतलब होता है वस्तु तुम्हारे सामने आ जाए लेकिन फिर भी तुम्हारा मन विचलित ना हो, इसको वैराग्य कहते हैं। ये कौन है महाराज? बोले बाल ब्रह्मचारी।
अच्छा ब्रह्मचारी इन्होंने ब्याह नहीं किया। एक तो होता है परम सुंदर हैं, परम योग्य हैं, सारे गुणों से युक्त हैं, फिर भी ब्रह्मचारी हैं, और एक तो ऐसे हैं कि महाराज प्रयास तो खूब किया था कि कहीं ब्याह हो जाए लेकिन किसी ने पसंद ही नहीं किया। उम्र चली गई 35-40, तो फिर बोले अब क्या करें, अब ब्याह करना ठीक नहीं है, नाम क्या के ब्रह्मचारी लिख दो हमारे। 35-40 हो गई, ब्याह ही नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी बन जाते। वस्तु ना मिलने पर अपने आप को त्यागी बताना यह श्रेष्ठ नहीं है। आपने वस्तु की इच्छा तो बहुत रखी थी, मिली नहीं इसलिए त्यागी बन गए। लेकिन वस्तु सामने हो और उसके प्रति मन विचलित ना होना, यह वैराग्य कहलाता, यह त्याग कहलाता। ऐसे हम कितने लोगों को जानते हैं जो विरक्त हो जाते हैं, जो वैरागी हो जाते हैं, जो बाबा जी बन जाते हैं लेकिन आसक्ति हृदय की नहीं जा पाती। लेकिन ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करते हैं लेकिन घर में रहते हुए भी एक संतत्व का पालन करते हैं, कहीं भी आसक्त नहीं रहते। वस्तु का शरीर से त्याग वैराग्य नहीं, वस्तु का मन से त्याग करो। लोग व्रत करते हैं, मैं कथाओं में समझाया करता हूं इस बात को, एकादशी का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन जब व्रत करते हैं तो जिन लोगों का व्रत नहीं होता उनसे दूर बैठते हैं। क्यों? हमारे सामने रोटी खाएगा तो हमारा भी मन करेगा, या हमारे सामने चावल दाल खाएगा तो फिर हमारी भी इच्छा होगी, इसको व्रत नहीं कहते। व्रत का मतलब केवल जीव पर अन्न ना धारण करना व्रत नहीं कहलाता। व्रत का मतलब है कि आपके सामने वस्तु आ जाए उसके बाद भी जीव पानी ना आवे, मन में बिल्कुल इच्छा ही प्रकट ना हो, उसको व्रत कहते हैं। तो भक्ति तो सबके हृदय में है लेकिन ज्ञान और वैराग्य शून्य है, ज्ञान नहीं। और ज्ञान भी हम लोगों को पता है कैसा है, सुनो बताते हैं। पर उपदेश वेलायाम सर्वेष्टा भवंती ही, दूसरे को उपदेश देने के लिए सबके पास ज्ञान होता है लेकिन जैसे अपने ऊपर आती है वो बात, विस्मरंती तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं लोग। लोग वहां कहते हैं बोले कल तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, अब क्या हो गया, जब खुद पे आई तो क्या हुआ। बोले भैया समझ ही नहीं आ रहा क्या करें बताओ। ऐसे ज्ञानी हैं हम लोग। ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को व्यवस्थित करके जो हमारे हृदय में हृदयस्थ करे वो है श्रीमद् भागवत की कथा। दूसरी बात, जो ज्ञान जो वैराग्य हृदय में आने के बाद में कभी, तो भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, यदि ये दोनों वृद्ध रहेंगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, और मेरे पुत्र यदि युवान नहीं हुए तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी। तब नारद जी महाराज ने विचार किया कि भक्ति यदि विदेश चली गई तो सर्वनाश हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तब नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में सनत कुमारों से उन्होंने पूछा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए, बहुत ध्यान से सुनना। द्रव्य यज्ञ स्तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचक सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्रीमद्भागवत लाप सतु गीत सुखादि। बोले सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई है उस भागवत की कथा को यदि कोई अपने यहां करा ले या उसको सुन ले, ये सबसे बड़ा सत्कर्म। 5 प्रकार के सत्कर्म कौन कौन से बंधु? सबसे पहला सत्कर्म द्रव्य यज्ञ, कहीं दक्षिणा करना, कहीं दान दे देना, कहीं पर किसी को कुछ भेंट दे देना, ये सबसे पहला सत्कर्म है। इससे श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? तप यज्ञ।
अपने शरीर को अव्यवस्थित स्थिति में ले जाकर के भगवान का भजन करना, यह दान से भी श्रेष्ठ यज्ञ है। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले योग यज्ञ। योग कहते हैं मिलने को। योग का मतलब यह नहीं है, योग का मतलब होता है मिलना। किससे मिलना? शास्त्रों से मिलना, वेदज्ञों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, ठाकुर जी के जो अनुयायी हैं उनसे मिलना, उसको कहते हैं योग। तो योग यज्ञ, तो पहला सत्कर्म है द्रव्य यज्ञ, दूसरा सत्कर्म है तप यज्ञ, तीसरा सत्कर्म है योग यज्ञ, और चौथा सत्कर्म है स्वाध्याय यज्ञ, सुंदर ग्रंथों का स्वयं पढ़ना, पाठ करना। लेकिन इन चारों से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। इस सत्कर्म को श्रेष्ठ मान। वैसे तो कोई भी सत्संग सुनो, रामकथा सुनो, शिव महापुराण सुनो, सब श्रेष्ठ हैं, परंतु श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी की अंतिम रचना है, इसलिए इसको अति श्रेष्ठ माना गया। भागवत की कथा सुनो, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद एक उदाहरण तो ये दिया, दूसरा उदाहरण क्या दिया? दूध से कभी दिया जलता है? नहीं जलता, लेकिन दूध में घी होता है जो दिए को जलाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को जमाओ, दही बनाओ, बिलो करके छाछ अलग करो, मक्खन अलग करो, मक्खन को जला दो, वही घी बन जाएगा। उसको दिए में जैसे डालोगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, जल जाएगा। जैसे दूध में घी होता है परंतु दूध से दिया नहीं जलता, ठीक वैसे ही वेदों में सार तो है, पर वेद सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब उसी वेद के निर्माण से, वेद से भागवत प्रकट होगी, और उस भागवत को जब आप सुनोगे तब आपका कल्याण होगा। इसलिए भागवत श्रेष्ठ। नारद जी महाराज के हृदय को शांति मिल गई, बोले जय हो भगवान, अब मैं भागवत की कथा कराना चाहता हूं, इसके नियम बताइए, भागवत कैसे करानी चाहिए। महाराज भागवत के बड़े नियम है। क्या नियम है? बोले जितना व्यक्ति अपने पुत्री के पुत्र के विवाह में खर्च करता है उससे 10 गुना ज्यादा भागवत में खर्च करना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं? हम तो बहुत जगह जगह जाते हैं ना कथा करने, योग्य तो इतने हैं कि बेटी बेटा का ब्याह विदेश में जाके कर रहे हैं, करोड़ों खरबों के महाराज कोई गिनती नहीं कितना खर्चा। लेकिन भागवत जी की बात आती है तो महाराज 11 रुपया से ब्राह्मणों का तिलक करेंगे, इतना ही है, दोने ज्यादा लग गए तो 1-1 रुपया छोड़ देंगे, पंडाल भी ऐसे ही लगा देंगे कि हवा आती उड़ जाए महाराज आकाश में, भोजन प्रसाद की व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि हाँ भाई रूखी रोटी खाओ सब लोग, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा कराने की अगर किसी की इच्छा हो तो खूब भाव से कराए। आप कहेंगे महाराज जी आप सीधे सीधे बोल दो, खूब पैसा खर्च करो, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। पैसा खर्च करोगे तो एक बात लिख लीजिएगा, कभी कथा नहीं करा पाओगे। लक्ष्मी का नारायण से ब्याह हो रहा है इस भावना से धन खर्च करो। हमारे घर की लक्ष्मी नारायण को ब्याह रही है, नारायण से उसका ब्याह हो रहा है, इस भावना से आप कभी सत्संग में कभी कथा में धन का व्यय करो, देखना कितनी सुंदर दिव्य कथा होगी, वो अनुष्ठान दिव्य अति दिव्य हो जाएगा। तो पहला नियम तो यही बताया, दूसरा नियम, नियम तो बहुत सारे हैं, एक नियम बताया कि श्रोताओं को व्रत करके कथा सुननी चाहिए। व्रत करके नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार, एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए। उससे भी काम नहीं चल रहा है तो भैया दिन में 5 बार भोजन करें लेकिन कथा सुने। एक ही नियम सबसे बढ़िया है, बोले क्या 4 घंटा बैठ के तुम कथा सुनो बस। नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ नियम क्या है? कथा पंडाल में बैठ गए तो जब तक व्यास जी बैठ रहे हैं हमारी चित्त वृत्ति उनसे हटे ना, वो जो कह रहे हैं हम ध्यान पूर्वक सुने। ये नियम का यदि आपने पालन कर लिया तो व्रत मत करो, कुछ मत करो, सारे नियम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। ध्यान से सुनो बस। इस प्रकार कई नियम बताए। नारद जी महाराज बोले महाराज मैं कथा कहां कराऊं, जगह कौन सी बढ़िया है?
तब सनत कुमारों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप में एक आनंद नाम का वन है जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं। वहां पर गंगा जी के तट पर एक सुंदर वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष की छाओं में व्यासपीठ बनाओ, गंगा जी की रेती बैठने के लिए सुंदर व्यवस्थित हो जाएगी, श्रोताओं के भोजन के लिए वन के फल ले आओ, पान करने के लिए गंगा जी का सुंदर जल है ही, इस प्रकार से सुंदर व्यवस्थित होकर के कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले, सब व्यवस्था हो गई, अब ये और बता दीजिए व्यास जी कौन है, कथा कौन सुनाएंगे। सनत कुमार बोले, अब व्यास जी आप ढूंढ लो कोई बढ़िया सुंदर वक्ता हो। वक्ता का बंधुओं एक गुण होना चाहिए कि वो व्यासपीठ पर बैठ करके श्रोताओं के कल्याण के अलावा और कोई भी भावना मन में ना रखे। क्षमा करें, कान पकड़ के हम क्षमा मांगे, आजकल व्यासपीठ का कारण बहुत कुछ हो चुका है। व्यासपीठ अब देने का नहीं रह गया, व्यासपीठ लेने के लिए बन गई है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ पर इस भावना से नहीं बैठना चाहिए कि हमें क्या मिले, व्यासपीठ पर इस भाव से बैठो कि मैं क्या क्या दे दूं सबको। व्यासपीठ पर इस भावना से मत बैठो, मेरे कितने शिष्य हो जाएं, मेरे कितने अनुयायी हो जाएं, मेरे कितने फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, मेरे पीछे कितनी भीड़ पड़ जाए, नहीं। व्यासपीठ पर इस भाव से बैठो, जितने लोग व्यासपीठ के सामने बैठे हैं इन सबके कल्याण की जिम्मेदारी मेरी है। यदि एक का भी कल्याण नहीं हुआ तो ठाकुर जी बहुत नाराज होंगे, बोले बेटा तुमको व्यास बना करके भेजा और तुम क्या करके आए हो। तो व्यासपीठ का आजकल उपयोग तो गलत कई जगह थोड़ा सा हो रहा है, परंतु मन में भाव आता है कि किसी भी प्रकार से सही, लोग कथा सुन रहे हैं वही बहुत है, कथाओं में आ रहे हैं वही बहुत है, किसी भी प्रकार से भगवान नाम गा रहे हैं वही बहुत है, लेकिन व्यासपीठ बंधुओं साधारण नहीं है, इसकी मर्यादा गरिमा रखनी चाहिए। सनत कुमारों ने कहा कि भैया व्यास जी आप ढूंढ लो। नारद जी बोले, काम कीजिए ना, आप ही कथा सुना दीजिए, आपसे बढ़िया वक्ता कौन होगा। तब सनत कुमारों ने कहा कि ठीक है, हम कथा सुनाएंगे। और महाराज गंगा द्वार के तट पर आनंद वन में वटवृक्ष के नीचे व्यासपीठ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अविराजित हुए। देवता पधारे, गंधर्व पधारे, ऋषि पधारे, संत पधारे, देवर्षि सप्त ऋषि सब पधारे और सब बैठ करके कथा सुन रहे थे। सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ की और सनत कुमार कथा कहते हुए कथा का बढ़िया सुंदर महत्व बताते हुए कहते हैं, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भैया भागवत एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके सानिध्य में आप बैठ गए, आपकी मुक्ति की जिम्मेवारी भागवत जी की है, फिर मुक्ति निश्चित हो जाएगी। तावत पापानि देहेश्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतम् रेहि। पाप तब तक हृदय में विराजमान रहेंगे जब तक आप पंडाल में आके बैठे नहीं हो। पंडाल में आकर के जैसे बैठते हैं, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है तैसे तैसे पाप नष्ट होने लग जाते हैं। आज कौन सा बार है, आज है कौन सा बार है, गुरुवार, थर्सडे। आज आपने गुरुवार की कथा सुनी तो श्रीमद् भागवत के टीकाकार ऐसा कहते हैं, जैसे आपने गुरुवार की कथा सुनी तो आपके पूर्व जीवन में जितने गुरुवार निकल चुके हैं जन्म से लेके अब तक, उन गुरुवारों में जो पाप बना होगा आज की कथा सुनने से सब खत्म हो गए। अब कल की कथा सुनोगे तो कल जो वार है उस वार में जितने भी आपने पाप किए वो सब दूर होंगे अगले दिन की सब। इस प्रकार से आप 7 दिन की कथा सुनोगे, 7 ही वार होते हैं, 7 दिन में क्या होगा, पवित्र हो जाओ। कई माताएं भाई लोग बड़े खुश हो गए, बोले वाह ये तो झांसी में गंगा जी आ गई, यही मैं नहा लियो महाराज, सबरे पाप दूर रह जाएंगे, हर की पौड़ी बन गई महाराज, गौड़ बाबा आश्रम हर की पौड़ी बन गया 7 दिन के लिए। लेकिन ऐसे नहीं, यदि ये बात
इतनी सत्य होती तो सारे चोर डकैत कथाओं में घूम रहे होते। बोले चोरी करो और कथा सुनो, डकैती डालो कथा सुनो, गलत काम करो कथा सुनो। क्यों? कथा पाप दूर कर देती है। पिछले सोमवार के दिन मैंने महाराज उसकी चैन हड़प ली, सोमवार वाले दिन कथा सुन लूंगा तो पाप दूर हो जाएगा। अगर इस प्रकार की बात है तो ये उचित नहीं है। पर बात कैसे उचित होगी ये सुनो। आज आप गुरुवार के दिन कथा सुन रहे हो तो गुरुवार के दिन की कथा सुनने से पाप निवृत्त कब होगे? जब भागवत जी को आप ये वचन दे दोगे कि आइंदा कभी कितने भी गुरुवार आ जाएं हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। जब ये संकल्प आप ठाकुर जी के सामने लोगे, भागवत जी को ये वचन दोगे, तब भागवत जी पूर्व के गुरुवारों के पाप दूर करेंगे कि हाँ चलो इसने मुझे वचन दिया कि आगे के दिनों में ये गलत नहीं करेगा। और ठीक है, ये भागवत जी के लिए, ये गंगा जी के लिए भी यही है। लोग कहते गंगा स्नान हर की पौड़ी पर इतनी भीड़ रहती। महाराज हमारे महाराज जी बता रहे हर साल हर की पौड़ी पर कथा करते हैं। इतनी भीड़ हर की पौड़ी पर क्यों रहती है? बोले वहां नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। गंगा जी को पहले प्रणाम करो और हाथ जोड़ के वचन दो, हे गंगा मैया आप मेरे पाप दूर करो, मैं वचन देता हूं आज के बाद छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी का धन नहीं हड़पूंगा, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा, आपको वचन देता हूं। आप वचन देकर के जब गंगा जी में प्रवेश करोगे तब गंगा जी पाप दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन देने के बाद यदि आपने वो किया तो फिर गंगा जी पुराने पापों को भी पुनश्च प्रकट कर देंगी और उनको भी हजार में भाग करके देंगी, आपको गुना करके देंगी, दुगुना होकर के लगेगा, हजार गुना होकर के लगेगा। इसलिए भैया पहले वचनबद्ध हो तब कथा सुनो, तब पाप मुक्त हो पाओगे, नहीं तो नहीं। ऐसी भागवत की कथा है। इस प्रकार सूत जी कथा सुना रहे थे, नारद जी बैठकर के सुन रहे थे, तो जिनके लिए कथा हो रही थी उनका आगमन हुआ। कौन? भक्ति ज्ञान और वैराग्य, तीनों बिल्कुल युवा अवस्था में प्रकट हो गए, नाचने लगे। महाराज भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपाण सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस सुंदर कीर्तन का गान करते हुए भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ युवा होकर के वहीं प्रकट हो गई। बोलो भक्ति ज्ञान वैराग्य की। बंधुओं श्रीमद् भागवत की कथा में ज्ञान वैराग्य और भक्ति इनका वर्धन होता है, ये श्रेष्ठ होते हैं, ये युवा होते हैं। भक्ति महारानी आई, नारद जी से कहने लगी धन्य है भगवान आपने मेरे पुत्रों को युवान कर दिया, लेकिन इतने बड़े पंडाल में मेरे लिए स्थान कहां है? नारद जी महाराज बोले देवी आपके लिए एक बहुत सुंदर स्थान है मेरे पास। बोले कौन सा? ये जितने भी श्रोता बैठे हैं ना इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ, इनके हृदय रूपी आसन को आप व्यवस्थित करो। निरंतरम वैष्णव मानसानि, और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों समस्त श्रोताओं के हृदय पटल पर विराज गए। बंधुओं ये बात तो निश्चित है कि आज से आगामी 7 दिन तक भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय पटल पर बैठे हैं, परंतु अपने हृदय को ऐसा निर्मित कर दीजिए 7 दिन में कि वे कभी आपके हृदय को छोड़ के जाए ना। ये हमारा दायित्व है। केवल 7 दिन कथा सुनकर के हमारी दायित्व पूर्ण हो गए? नहीं। 7वें दिन जिस दिन हम यहां से जाएंगे 13 तारीख को, उसके बाद तो असली कथा शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जो भाव हृदय में आ चुके हैं अब मृत्यु पर्यंत उनको आपको अपने हृदय में रखना है, कहीं वो नष्ट ना हो जाए। पौधा घर में लगा है तो नित्य उसमें जल दो,
नित्य उसको धूप दिखाओ, तभी तो वो पौधा व्यवस्थित रहेगा। श्रीमद् भागवत ने भक्ति रूपी पौधा आपके हृदय में लगा दिया, अब इसको निरंतर व्यवस्थित रखना आपकी जिम्मेवारी है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भागवत जी की शरण में आकर के आनंदित हो गए। मानो भक्ति महारानी भागवत जी के सन्मुख बैठ करके यही कह रही हूं, मैं गाया करता हूं अपनी कथाओं में, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मीठी मीठी ताली बजा के गाओ। बंधु देखो, ये करताल जो है ना, ये ठाकुर जी ने दो हाथ क्यों दिए? हमारे सारे काम एक ही हाथ से हो जाते हैं। कोई सीधे हाथ से खाता है तो सीधे हाथ से लिखता है, सीधे हाथ से सारे काम करता है। कोई उल्टे हाथ का प्रयोग करता है तो उसे, ये दो हाथ ठाकुर जी ने क्यों दिए? ताकि जब कभी तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में कभी मेरी कथा हो, संकीर्तन हो, तो तुम उस संकीर्तन की शोभा के लिए करताल बजा सको। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, परम पूजनीय श्री ठाकुर जी महाराज अपनी कथाओं में कहा करते हैं कि भैया, जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। कीर्तन में करताल बजाने से महाराज हाथों की रेखाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। आप आज ज्योतिषी जी को हाथ दिखा लेना, जो जो रेखाएं आपकी बिगड़ रही हो, छह दिन तक खूब कथा में आना, कीर्तन में, भजन में खूब करताल बजाना, और सातवें दिन फिर ज्योतिषी जी के पास जाना, बोले अब हाथ देखना। वे कहेंगे महाराज, जितनी रेखाएं बिगड़ रही थी सब व्यवस्थित हो गई हैं, सब बिल्कुल अब तो सब व्यवस्थित हो गई है। इसलिए कीर्तन में करताल जरूर बजाओ, भाव से गाओ। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो,
भाव हम किन के लिए गा रहे हैं? ये भाव हम गा रहे हैं भागवत जी के लिए। ये भागवत जी, हम धन्य हो गए कि आप हमारे नगर में पधारी, आप हमारे जीवन में पधारी। और मैं तो भागवत जी की शरण में हूं ही, तो मैं किसके लिए गा रहा हूं? हम गा रहे हैं राम राजा सरकार के लिए कि आपने कृपा करके हमको बुंदेलखंड बुलाया पहली बार कथा करने के लिए। तो हे राम राजा सरकार, आप लोग भागवत जी के लिए गाओ, हम राम राजा सरकार के लिए गाते हैं। क्या करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, हाँ करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से। क्यों? प्रकार श्रीमद् भागवत जी से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हुए। ये भागवत का प्रथम महात्मा, महात्म का प्रथम भाव। दूसरा भाव मैं सूक्ष्म में सुना करके कथा को फिर विश्राम दूंगा। किए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान भागवत की कथा सुनने से और क्या होता है? क्या व्यक्ति के अंदर के पाप नष्ट हो जाते हैं? तब सनत कुमारों ने कहा कि भैया, जो व्यक्ति सब प्रकार के पाप करता है, चाहे कितना भी घनिष्ठ पाप क्यों ना करता हो,
ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत कथा को श्रवण करे और श्रवण करके अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करे, मतलब अपने जीवन को भागवत की भाषा से और भागवत के निर्देशानुसार जीने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति के भी सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। कोई व्यक्ति यदि कह रहा हो कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे अब कोई क्षमा नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत के आश्रय में आ जाए और अपना बचा हुआ शेष जीवन भागवत के निर्देशानुसार जीने लग जाए, ऐसे व्यक्ति का निश्चित है कि भागवत जी उसका पाप नष्ट कर देंगे, कल्याण करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना। तब नारद जी महाराज बोले, क्या वो बालक जो अपने माता पिता से बैर करता है, जो अपने माता पिता की निंदा करता है, अपने माता पिता पर हाथ तक उठा देता है, ऐसा बालक यदि भागवत की कथा में आए तो वो सुधर जाएगा? सनत कुमार बोले 100% और 101% सुधर जाएगा। नारद जी बोले, मुझे आपकी बात पर ये बात नहीं समझ में आ रही है। क्यों? बोले भैया, माता पिता से विद्वेष करने वाला बालक उसको महापाप की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे बालक को आप कह रहे हैं भागवत जी क्षमा दिला देती हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है आपकी, मुझे कोई उदाहरण दीजिए। तब सनत कुमारों ने कहा, सुनो हम तुमको एक उदाहरण सुनाते हैं। बोले तो क्या है उदाहरण? बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, बहुत धनवान भी थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर वो रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थे और इसी बात से वो परेशान रहते थे। बंधुओं देखो, जीवन में कई बार कष्ट का कारण बनता है जो वस्तु हम चाहते हैं उस वस्तु का अभाव। अभाव समझते हैं? जो वस्तु हम चाहते हैं वो हमको ना मिले, इसी को अभाव बोलते हैं। जीवन में कष्ट का कारण होता है वस्तु की कामना, और फिर वो वस्तु ना मिले तो उसका अभाव हमको कष्ट देता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जीवन में जो वस्तु प्राप्त ना हो उस वस्तु के स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर दो, तो कभी भी उसका अभाव लगेगा ही नहीं। सुदामा जी, घर में अन्न नहीं होता था, घर में भोजन करने के लिए कोई सामग्री नहीं होती थी, लेकिन सुदामा जी के जीवन भाव में बताया जाता है कि कभी कभी पत्नी लड़ती, बोले दुनिया के लोग महीने में दो बार एकादशी का व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते, लेकिन हमारे घर में तो रोज ही एकादशी होती है। कल एकादशी थी इसलिए नहीं पाया, आज द्वादशी, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो आज भी एकादशी, और कल होगा कि नहीं, कल भी एकादशी रहेगी, पता नहीं चार चार दिन में तो एकादशी का व्रत। कई बार तो सुदामा जी की पत्नी कहती है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक एकादशी का व्रत किया और एकादशी का पारना जब हुआ, जब दूसरी एकादशी भी पार हो गई, 15 दिन तक कुछ पाया ही नहीं, कैसा जीवन है हमारा। सुदामा जी कहते, अरे देवी तुम कैसी बात करती हो, अरे किसी व्यक्ति को 2 रुपया मिले वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि किसी व्यक्ति को 15 रुपया मिले वो ज्यादा श्रेष्ठ है? बोले 15 रुपया मिले वो ज्यादा श्रेष्ठ। बोले ठाकुर जी महीने में 2 बार व्रत करवाते हैं एकादशी का। सबसे एकादशी का दिन, बंधुओं एक ऐसा भी माना जाता है, एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है ठाकुर जी उसको याद करते हैं। तो सुदामा जी बोले, दुनिया के लोगों को तो 2 दिन व्रत करके ठाकुर जी महीना में 2 ही बार याद करते हैं, लेकिन मुझे तुझे तो 15-15, 20-20 बार याद करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। आपने ताली तो बजाई, परंतु बंधुओं ऐसा यदि आपके संग कभी हो तो आप लोग भी वही करोगे जो सुदामा जी कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। आप शिकायतों की लिस्ट बनाना प्रारंभ कर दोगे, ठाकुर जी के मंदिरों में, अब क्या बोले, हमको बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन ठीक है। महाराज जी, लोग अपनी जीवन की कामनाओं के लिए कैसे कैसे व्रत करते हैं मैंने देखा।
हाथ पर दिया रे करके पूरी रात खड़े हैं। एक मंदिर है उत्तराखंड में, मैं वहां गया था, शंकर जी का मंदिर है, बहुत दिव्य स्थान है, इतना दिव्य की मंदिर का वहां पर है कि यदि कोई व्यक्ति शंकर जी की आराधना करें समय पर पुत्र रत्न या संतान प्राप्ति होती करके लोग हाथ में दिए लेटर के सिद्धियों पर पूरी दारा घिसता है निकल आया मेरी हो। और उसे एक बात आप लोग अनुभव करोगे और कईयों ने करी भी होगी कि हमारे पास जो चीज नहीं थी और जिसके लिए हम मारे मारे फिर रहे थे कि मिल जाए, जब वो वस्तु मिली तो घर में बड़ी अशांति सी हो गई। देवी तुम चली जाओ। इसने जाकर के देखा तो इसकी एक सहेली गर्भवती थी, उसको जाकर के बहुत सारा धन दे दिया। बोले तुम्हारे घर में 9 बालक हैं, 10वां होने वाला है, धन तुम्हारे यहाँ है नहीं, लो बहुत सारा धन लो और ये 10वां बालक मुझको गोद दे देना, मैं अपने पति को जाके दिखा दूंगी कि देखो मेरे बालक हुआ है। और यही हुआ, 9-10 महीने बाद उस अपनी सहेली के बालक को लेकर के धुंधली आ गई और आत्मदेव जी की गोद में दे दिया, देखो मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े आनंदित हो गए, जय हो जय हो जय हो, ठाकुर जी की कृपा से, संत की आज्ञा से हमारे घर पुत्र हुआ है। नामकरण संस्कार होने लगा, आत्मदेव जी ने नाम रखा नारायण। धुंधली बोली पुराना नाम है नारायण, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी, नाम धुंधुकारी रख दो। इतने में ही कुछ दास दासी आई, बोले भगवान आत्मदेव जी बधाई हो, आपके घर दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। आत्मदेव जी बोले मेरे घर एक ही पुत्र हुआ है, दूसरा पुत्र कहाँ? बोले क्योंकि आपकी गौशाला की गैया ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है, देखिए चल करके। आत्मदेव जी ने जाकर के देखा तो महाराज नन्हा सा एक मानवों जैसा पुत्र है, बस उसके कान गैया जैसे हैं। आहा, गोद में लेकर के आनंदित हो गए। बोले देवी उस बालक का नामकरण तुमने किया, इसका मैं करूंगा, इसका नाम होगा गोकर्ण। गोकर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय जैसे कान वाला। ये तो एक सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है? गो कहते हैं ज्ञान को, गो कहते हैं ज्ञान को, और कर्ण माने कान। जो अपने कानों में केवल ज्ञान को ही स्वीकार करता है, अज्ञान को और फालतू की चर्चाओं को जो अस्वीकार कर देता है, कान बंद करके वहां से चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को भी गोकर्ण कहते हैं। नाम गोकर्ण हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी तो दुष्ट बना और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी व्यसन करने लगा, जुआ खेलने लगा, पर स्त्री गमन करने लगा, धीरे धीरे पाप बढ़ते जा रहे थे। आत्मदेव जी बोले इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था, ये कैसा पुत्र आया मेरे घर पे? अब आत्मदेव जी सोच रहे हैं मैं तो जब बहुत सुखी था जब मेरे घर में संतान नहीं थी, ये जब से पुत्र आया है रोज पी करके आ जाता है, रोज कहीं से चोरी चकरी करके आता है, लोग बाग मुझसे आकर के शिकायतें करते हैं, ऐसा पुत्र। एक दिन अपने पुत्र को बैठा करके समझाने लगे, ये गलत है, ये सब अपराध है, शास्त्र मना करते हैं। धुंधुकारी गया, जी पिताजी मैं अभी आता हूं। गया जाकर के डंडा लेके आया और आत्मदेव जी को ही मारने लगा, मुझे समझाते हो? आत्मदेव जी बोले अब इसको समझाना भी व्यर्थ है, पत्नी तो पहले ही अपने प्राण त्याग चुकी थी कुएं में कूद करके, पुत्र के ही भय से आज आत्मदेव जी ने भी घर छोड़ दिया, बड़े दुखी हो गए। तब गोकर्ण पुत्र अपने पिता के पास गए और कहे, बोले पिताजी आप दुखी क्यों हो?
बोले ऐसी संतान पाके कौन सुखी रहता है, मेरा बेटा ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप 2 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि मैं आपका पुत्र हूं और ध्यान पूर्वक मेरे द्वारा बताई गई बात को सुनिएगा, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। और यहां गोकर्ण जी ने जो ज्ञान दिया है इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित हमारे दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, वे कहते हैं कि ये 2 श्लोक 18,000 भागवत के श्लोकों का सार है, ये सामान्य नहीं है ये श्लोक। इन 2 श्लोकों को सुने फिर कथा विराम देंगे। हमको आनंद तो इतना आ रहा है कि मन कर रहे हैं 8-9 बजे तक करते ही रहें, पर हमको भी आज एक विवाह में कहीं जाना है और विवाह में जिनके जाना है वो हमारे संगी रहते हैं हर कथाओं में, इसी कथा में नहीं है। और उन्होंने विवाह इसीलिए रखा, छतरपुर में ब्याह है, बोले महाराज जी झांसी में कथा पूरी करके मेरे ब्याह में तो भी आ जाएंगे, तो हमको भी कहीं प्रस्थान करना है, इसलिए नहीं तो आनंद तो बहुत आ रहा है। गौड बाबा महाराज का ये सिद्ध स्थान है, लग रहा है यहाँ कथा रोज 1-1.5 घंटा ज़्यादा ही होगी, आनंद ही आ रहा है। तो गोकर्ण जी क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो, कि देह स्थि मांस रुधिरे भीमतिं तेजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षण मंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी आपने अभी अभी एक बात कही कि मेरा पुत्र ऐसा होगा, ये आपने कभी सोचा नहीं था। मतलब ऐसे बालक ऐसे पुत्र औरों के भी हुए हैं, लेकिन आपको तब कष्ट क्यों नहीं हुआ जब दूसरे के पुत्र भी ऐसे थे? क्यों? क्योंकि आपका अपना नहीं था इसलिए। मतलब व्यक्ति का बुरा होना कष्ट नहीं देता, लेकिन बुरा व्यक्ति जब हमारा हो तो कष्ट देता है। पिताजी कष्ट का कारण व्यक्ति का बुरा होना नहीं है, कष्ट का कारण हमारा व्यक्ति बुरा हो, यह कष्ट का कारण है। इसका मतलब कष्ट अपनत्व में है, कष्ट ममत्व में है। आप लोग कथा सुन के बाहर गए, रोड पर थोड़ी आगे गए तो किसी 17-18 वर्ष के बालक को आपने कुछ गलत करते हुए देखा, आप रोकोगे? नहीं रोकोगे, चले जाओगे। लेकिन वही 17-18 वर्ष का बालक आपके घर का हो तो आपका हो तो बहुत बड़ी बात है, आपके परिवार का भी हो तो भी आप रुकोगे, उतरोगे, 2 रखोगे कान के नीचे, कान पकड़ के गाड़ी में बैठाओगे, घर ले जाके शिकायत करोगे, समझाओगे। कहने का अभिप्राय पिताजी कष्ट के कारण 2 होते हैं, एक तो होता है अहमत्व और दूसरा होता है ममत्व। पहला कष्ट का कारण है अहमत्व, अहंकार। अहमत्व सदा खुद में होता है और ममत्व सदा अपनों में होता है, ये दोनों ही कष्ट के कारण होते हैं पिताजी। बहुत ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनिएगा पिताजी, अहमत्व का त्याग करो। हम अभिमान क्यों कर रहे हैं, किस बात का अभिमान कर रहे हैं अपने ऊपर? बहुत धनवान है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत योग्यवान है, इन सब चीजों का अभिमान? हम कुछ भी नहीं है, हम किसी योग्य नहीं है, किसी लायक नहीं है। ना तो रूप है, पूज्य पिताजी गाते हैं, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले
इस सोच में मेरे प्राण है, न तो रूप है ना तो रंग है। हम लोगों के अंदर क्या है, ना तो हम रूपवान ना हम गुणवान। आप कहोगे आप बहुत रूपवान हो, कब तक रहने वाले हो? एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी चेहरे पे, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। अरे महाराज इनका शरीर देखो कितना स्थूल है, कितना अद्भुत है, कब तक? एक समय आएगा वो भी नष्ट हो जाएगा। ये बात सदैव याद रखिए, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। तो अहमत्व क्यों, हमारे अंदर क्या है ऐसा जिसका हम अहंकार करें? कुछ भी तो नहीं। तो पहला तो पिताजी आप अहमत्व का त्याग कीजिए, और दूसरा ममत्व का त्याग कीजिए। ममत्व क्या है? ममत्व सदैव अपनों में होता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, ये ममत्व है। एक नामदेव जी एक भक्त हुए भगवान के महाराष्ट्र में, उनके विषय में कथा आती है कि एक बार उनके घर में आग लग गई, और जैसे ही आग लगी तो गांव के सब लोग आग बुझाने के लिए घर में भगे। अंदर जाकर के देखा तो नामदेव जी क्या कर रहे थे, जो घर की आधी सामग्रियां बची हुई थी उनको समेट समेट करके आग में फेंक रहे थे। गांव के लोग बोले बड़ा मूर्ख आदमी, आधे घर में आग लगी हम बुझाने आए, यहां करके देख रहे हैं तो बचे हुए घर को भी जलवा रहा है। किसी ने कहा अरे नामदेव ये क्या कर रहे हो? बोले अरे ये अग्नि भगवान विट्ठल का स्वरूप है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, इन्होंने मेरे घर में आकर के केवल मेरे आधे घर को ही स्वीकार क्यों किया, मेरा पूरा घर इन्हीं का है, सब स्वीकार कर लें, ये आधे घर को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? अरे ठाकुर जी सब लो ना, पूरा घर आपका है। जैसे ये भाव नामदेव जी ने कहा, अग्नि में से पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे भाव हमारे हैं, एक पाम टूट जाए और आप कहो हे राजा राम सरकार आपने दूसरा पाम क्यों छोड़ा, इसको भी तोड़ो, ये दोनों आपके हैं ठाकुर जी। हम सोचते हैं कभी ऐसा? कभी नहीं, हमारी भावना ऐसी नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि हम ममता से जुड़े हुए हैं, हमारा ममत्व है। ममत्व तो पिताजी ये दो दुख के कारण हैं, अहमत्व और ममत्व, अहंकार और ममता, इन दोनों का त्याग करो। इन दोनों का त्याग जैसे ही करोगे पिताजी आप परम सुखी हो जाओगे, परम आनंदित हो जाओगे। अहंकार को छोड़ो और इस शरीर के जितने संबंधी हैं उनसे ममता छोड़ दो, ये दो बातें। और क्या करो कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेमस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। पिताजी धर्म को भजो, धर्म जो कहता है उसको करो, लोक धर्म का त्याग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, सेवा करो, कथा सुनो, आनंदित रहो, और एक चीज से बचो, क्या? किसी के प्रति राग, किसी से द्वेष, इन दोनों से बचो। बंधुओं एक दुर्गुण व्यक्ति का भक्त बनने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता, वो दुर्गुण क्या है? किसी में अच्छाइयां देखना और किसी में बुराइयां देखना नहीं, सबको समान मानो। एक महात्मा बहुत अच्छी बात कह रहे थे, यदि कर सको तो कर लेना जीवन में। वे क्या कह रहे थे? बोले भैया किसी को तिलक में देखो, गले में कंठी माला देखो, पीले वस्त्रों में देखो, सफेद वस्त्रों में देखो, या भजनानंदी के रूप में देखो, तो समझना ये तो भक्त हैं।
और किसी को बिना तिलक के देखो, बिना धोती के देखो, बिना मालाओं के देखो, तो उनको सोचो ये छुपे हुए भक्त हैं। अब वो व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, लेकिन आप अपने हृदय में ये भाव मत लाओ कि वो पापी है। आप सोचो ये छुपा हुआ भक्त है, हमको दिखा नहीं रहा है अपनी भक्ति। सब में अच्छाई देखो, किसी में बुराई नहीं, किसी में दोष नहीं। पिताजी अब इस तरीके से अपना जीवन जीते हुए आप निर्वहन करो। आत्मदेव जी ने पुत्र की बात सुनी, परम प्रसन्नता हुई और वन में जाकर के श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के भगवत धाम आत्मदेव जी प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी मरकर के प्रेत बना। प्रेत कौन बनता है? हम एक पद गाते हैं, लोग बाग पूछते हैं महाराज जी प्रेत होते हैं भूत होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भूत बनता कैसे आदमी? ऐसा कौन सा काम करता है अपने जीवन में कि जिसके बदले मरने के बाद उसको भूत बनना पड़ता है? समझ लीजिए ताकि आप वो ना करो। भूत बनने का एक ही कारण है, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। जो व्यक्ति पूरा जीवन बिना भजन किए, बिना कथा सुने, बिना संतों को प्रणाम किए, बिना वैष्णवों को संग किए, बिना राम राजा सरकार के दर्शन किए, बिना राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल, युगल किशोर सरकार को बिना मस्तक नवाए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, ऐसा व्यक्ति ही मरने के बाद में भूत बनता है। तो एक बात तो निश्चित हो गई, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं वो मृत्यु के बाद भूत नहीं बनेंगे। क्यों? भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ओरछा जाते हो, वृंदावन जाते हो, तो निश्चित है कि भूत बनने से तो बचे ही जाओगे। भले ही पुनर्जन्म हो जाएगा, भले ही स्वर्ग जाएं, भले ही कहीं और, जो भूत नहीं बनोगे। भूत बनना तो नरक से भी बुरा है। इसलिए भैया भाग्यशाली हम लोग की हम भजन कर रहे हैं, क्योंकि भजन भूत योनि से मुक्त करता है। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। हो श्यामा श्याम रटे रसना सो, श्यामा भजन के कोई भी कर्म करो सब अकर्म हो जाएगा। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की कितनी सुंदरता, नया घर बनेगा तो पहले पूजा होगी, ब्याह होगा तो पूजा होगी, बालक का जन्म होगा तो पूजा होगी, घर में कुछ भी नया होगा तो पूजा। हमारे यहाँ कोई भी काम बिना भगवत स्मरण के किया ही नहीं जाता। अरे कहां तक है, व्यक्ति मर जाता है तो भी पूजा होती है, घर में रोज यज्ञ होगा। इसलिए बिना हरि स्मरण के कुछ भी करोगे वो कर्म अकर्म बन जाएगा। बिनु हरि भजन कर्म सब अकर्म, आठों गांठ कबू। मान जाओ, सुधर जाओ, बचे हुए जीवन में खूब ठाकुर जी का नाम गा लो, नहीं तो क्या होगा। ए सरस माधुरी
जीवन पर्यंत कभी भगवत स्मरण नहीं किया, कथा नहीं सुनी, ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, संतों को प्रणाम नहीं किया, माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, इस प्रकार जो अपना जीवन जीते हैं वही भूत बनते हैं। और वही हुआ, धुंधुकारी के साथ भूत बन गया, बंधुओं जैसे प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी ने, अच्छा एक बात, अगर हम ये बात कहें कि वो प्रेत योनि में था, गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ, तो गया श्राद्ध की महिमा कम हो जाती है। आज श्राद्ध पक्ष में इतने लोग गया जी जाते हैं, यदि वो इस बात को सुनेंगे कि गोकर्ण प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ गया श्राद्ध से, हम लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, तो गया श्राद्ध जी की तो महिमा ही खत्म हो जाती है। नहीं, बात मूल ये थी कि गोकर्ण जी धुंधुकारी का जो श्राद्ध गया जी में कर रहे थे, वो आत्मदेव जी का पुत्र है, उनके गोत्र से संकल्प करके कर रहे थे, लेकिन धुंधुकारी तो उनका बेटा था ही नहीं, धुंधुकारी तो किसी और का बेटा है। धुंधुकारी का गोत्र अलग है, धुंधुकारी के पिता अलग है, धुंधुकारी के माँ अलग है, वो तो उनकी माँ कहीं से ले आई थी उसको, और ये बात कोई और जानता ही नहीं था, इसलिए गया श्राद्ध में मुक्त नहीं हुए धुंधुकारी। क्यों? क्योंकि दो कारण हैं। पहला कारण तो धुंधुकारी का गोत्र गलत था, वो आत्मदेव जी का बेटा ही नहीं था। और दूसरा कारण कि गया तीर्थ को भागवत जी की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए गया श्राद्ध से उनकी मुक्ति नहीं हुई। अब तो चिंता में पड़ गए गोकर्ण जी, बोले कैसे मुक्त होगा प्रेतियों से। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, तो सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताम वाचनम कुरु इति सूर्य वच सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। यदि किसी का गोत्र भी भूल जाए, यदि कोई व्यक्ति कहीं भी जन्म ले, गोत्र कुछ भी हो, जाति कोई भी हो, विजातीय भी हो, उसके निमित्त भी यदि भागवत की कथा हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा तो ऐसी कथा है भैया,
आप लोग क्या सोच रहे हैं भैया कि केवल आप लोगों के पितरों का कल्याण हो रहा होगा इस कथा से? हवा चलती है और वायु में ना जाने कितने छोटे 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 जीवाणु घूमते रहते हैं, कितनी छोटी छोटी आत्माएं भटकती रहती हैं। इस स्थान पर यहां से निकलने वाली वायु से जिस वायु में जीवाणु का स्पर्श होगा वो भी मुक्त हो जाएगा। जितने एरिया में पंडाल है उतने एरिया में चींटी भी घूम रहे होंगे ना, इनका भी कल्याण हो जाएगा। यहाँ मक्खी भी आ जाएगी उसका भी कल्याण, मच्छर आ जाएगा उसका भी कल्याण। और कहां तक कहें भैया, मैं यहां से उठ करके जहां जाऊंगा वहां के जीवाणु और आप सब कथा सुन करके जहां जहां जाओगे, जिस जिस मार्ग का स्पर्श करते जाओगे उस मार्ग में जितने जीवाणु आपका स्पर्श करेंगे सबका उद्धार हो जाएगा। भागवत तो ऐसा कल्याण करती है। भागवत की कथा साधारण नहीं है। जब ये बात सुनी तो भागवत की कथा हुई और श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा होते ही धुंधकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो गए, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, बोले भैया इतने सारे लोगों ने कथा सुनी, कल्याण एक ही का क्यों हुआ, विमान एक ही के लिए क्यों आया? तब विष्णु दूतों ने कहा, बोले भैया कथा सुनने से विमान उसी के लिए आता है जो बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुने और अपने जीवन में उतारे, और दूसरा कारण विमान आने का होता है कि जो जाने के लिए तैयार हो उसके लिए विमान आता है। कहीं पता चली कथा हुई सातवें दिन झांसी के गौड़ बाबा आश्रम में आ गए महाराज जी, 2-3 हजार विमान आ गए, आप सबको पकड़ पकड़ विष्णु दूत बैठाए, चलो बेटा वैकुंठ। अरे भैया अभी हमारा एक ब्याह है छतरपुर जाना है, ध्यान दो। अभी बेटा बेचारा कुवारा बैठा है, सोच रहा था माँ कथा सुनने गई है, लौट के नहीं आई, विमान सीधे ले गया। अगले दिन झांसी के और क्या महाराज भारत के सब अखबारों में ऐसे ब्यास की कथा हुई कि सारे श्रोता विमानों में बैठ करके प्रस्थान कर गए। विमान दो स्थिति में आता है, पहला तो श्रोता ध्यान पूर्वक कथा सुने, नियम का पालन करते हुए कथा में जो सुना है उसको जीवन में उतारे, और दूसरा विमान तब आएगा जब श्रोता पूर्ण रूपेण तैयारी से बैठे कि नहीं अब तो मुझे जाना है, मुझे पिया के देश जाना, मैं तैयार हूं, विमान आए और मुझे भगवत धाम लेकर के जाए। इन दो कारणों से विमान आता है। पहला कारण तो फिर भी आप लोग कर लेते होंगे, कथा सुन के उतार लोगे, लेकिन दूसरे वाले तो अभी तैयार थोड़े ही हो इसलिए विमान नहीं आएगा। लेकिन कई कथाओं में विमान आते हैं, हमने भी देखे, मतलब ऐसा नहीं विमान दिखता है, पर सब सातवें दिन कथा का विश्राम हुआ, अंतिम श्लोक गाते ही गए हैं कई कथाओं में, एकाध लोग निश्चित करके बैठते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। तो इस प्रकार से धुंधकारी का कल्याण हुआ, भागवत जी का महात्म पूर्ण हुआ, ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। असारे संसारे विषय विशेषंगा कुल दिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज के मंगल भाव को हम यहीं विराम देते हैं, आज महात्मता कथा का, गौड़ बाबा के परम आशीर्वाद से हमारे विनोद चतुर्वेदी जी और हमारे कथा के मुख्य यजमानों और सभी सह यजमानों के सत्संकल्प से झांसी की नगरी पर यह भागवत की कथा आज प्रारंभ हुई है, आगामी 6 दिन तक रहेगी। आप सब लोग समय का ध्यान रख करके पधारें, बंधुओं समय से पहले ही आने का प्रयास कीजिएगा ताकि समय से कथा चले, शाम को आप लोग भी अपने घर समय से पहुंच सको। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय सियाराम, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री। आओ भागवत जी की मंगल आरती हम आप सब लोग करें, उससे पहले कोई यदि सूचना हो तो आप लोग श्रवण करें। जय जय श्री राम। आज प्रथम दिवस की इस मंगल वेला में पूज्यपाद महाराज जी को हम लोग श्रवण कर रहे थे।